हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? और मॉर्निंग हो चुकी है और सबसे पहले उठ के मैंने वही साइकिलिंग की, देन वर्कआउट किया और एक गिलास पानी पी के गई थी साइकिलिंग करने। और उसके बाद अब मैं रेडी हूँ अपना दिन शुरू करने के लिए। तो अभी 9 बज चुके हैं और आज मैं मॉर्निंग ड्रिंक में ले रही हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग ड्रिंक में ले रही हूँ चिया सीड्स वाटर, ये देखिए। इसको बनाते कैसे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। चिया सीड्स को 5 मिनट के लिए एक पानी में भिगो के रख देना है और फिर ल्यूक वार्म वाटर लेंगे, थोड़ा गुनगुना पानी उसमें डाल के पी लेंगे और थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे। बन गया। तो चिया सीड्स ड्रिंक के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे चिया सीड्स बहुत अच्छा सोर्स होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, एंड हमारी हेल्दी स्किन रखने में बहुत हेल्प करते हैं। और ये ड्रिंक हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। तो चलिए मैं इस ड्रिंक को लेती हूँ और थोड़ी देर बाद, मतलब 9 बज चुके हैं और उसके बाद 10 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी टाइम हो चुका है हमारा 10 और ये टाइम है ब्रेकफास्ट का। और आज ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ स्प्राउट्स। तो इसमें मैंने नींबू और छोटा सा टमाटर डाला है। बहुत अच्छे हैं स्प्राउट्स जो होते हैं, वो फाइबर एंड प्रोटीन रिच होते हैं, हमारे स्किन एंड हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये अपनी डाइट में ऐड करना बहुत ज़रूरी है और वेट मैनेजमेंट के लिए तो बेस्ट है। तो चलिए मैं आज का ब्रेकफास्ट करती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, सो कटिंग हो चुकी है। कटिंग किसकी, हेयर कट नहीं, वेजिटेबल्स की कटिंग हो चुकी है, क्योंकि आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ सलाद। और आज का सलाद होगा स्पिनिच सैलेड, मतलब पालक का सलाद बनाऊंगी। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सलाद बनने के लिए तैयार है, देख लेते हैं क्या क्या लेना है। गाजर और ये चुकंदर, पालक, टमाटर और खीरा और ये नींबू। सो गार्निशिंग के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें है काली किशमिश, गोरी किशमिश और ये बादाम और ये छुआरे। हम इसको मिक्स कर देंगे। फुल सी कलरफुल, ब्यूटीफुल लग रहा है, वाओ अमेजिंग। जीरा पाउडर इसमें डालेंगे, काली मिर्च पाउडर, काला नमक एंड सी, बहुत टेस्टी लग रहा है। अब हम इसको गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो सबसे बेस्ट फ्लेवर ऐड करने के लिए हम डालेंगे इसमें लेमन जूस, क्योंकि इससे टेस्ट इसका बहुत बढ़ जाएगा एंड लेमन कंटेन विटामिन सी। देखा कितना इजी है हमें स्पिनिच सैलेड बनाना, खाकर देखते हैं कैसा बना है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इतना अच्छा बना है, सीरियसली बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। बना कर देखना, बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये। बाकी सैलेड्स आपको पता ही है कितना हेल्दी होते हैं, और स्पिनिच भी बहुत हेल्दी होती है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हेल्दी हैं। तो ये हमारे लिए लंच में बेस्ट ऑप्शन है, इसको आप डिनर में भी खा सकते हैं क्योंकि बहुत लाइट है। मतलब इसमें पता है खट्टा मीठा हर टाइप का टेस्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने किशमिश डाली है ना, तो उस पर
वो आ रही है तो उसमें मीठा भी लग रहा है और नींबू डाला है तो खट्टा भी लग रहा है, तो ओवरऑल ना बहुत अमेजिंग टेस्ट आ रहा है। आज का लंच तो मेरा बहुत ज़्यादा टेस्टी था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं इसको फिनिश करती हूँ और थोड़ा सा बचा हुआ है मम्मी को खिलाऊंगी, उनको मुझे पता है बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने चिकपी का सैलेड बनाया था, वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगा था। अगर आपको चिकपी सैलेड देखना है कि मैंने कैसे बनाया था, वो फैमिली व्लॉग है उसमें देख लीजिए, उसमें बनाया था मैंने, तो सब लोगों ने बताया भी था कि कितना अमेजिंग लगा था। तो चलिए मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ, मिलते हैं इवनिंग टी में। और आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ बहुत अलग सूप जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया है, तो मिस मत करना। हेलो एवरीवन, सो अभी है डिनर का टाइम और आज मैंने बनाया है जो कि मैंने कभी नहीं बनाया। तो ऐसा क्या है, मैंने बनाया आज पम्पकिन सूप। लो देखिए मेरा वेजिटेबल स्टॉक बन रहा है, इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं आप अपनी चॉइस की जो आपको अच्छी लगे। अगर आप लोग फुल डिटेल देखना चाहते हैं कि वेजिटेबल स्टॉक कैसे बनाना है तो मैं वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगी, आप लोग उसमें देख लेना। मेरा वेजिटेबल स्टॉक तैयार है, इसको मैंने छान लिया है, तेल लगा लिया है मैंने और इसमें अब सबसे पहले मैं हरी मिर्च और लहसुन डाल दूंगी। अब हम इसमें जो हमने वेजिटेबल स्टॉक बनाया था वो डाल देंगे। डाल दो मम्मी। आहा, तो मैंने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल दिया है, मतलब नमक और काली मिर्च पाउडर डाल दिया है और अब इसको हम ढक के पका लेंगे। इसको अगर आप लोग चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बट मैं ऐसे ही कढ़ाई में कर लूँगी और फिर इसको सर्व करेंगे। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। पहली बार बनाया है मैंने। नॉट बैड, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा पम्पकिन सूप। अगर आप भी वेट लॉस जर्नी पे हो तो एक बार बनाना तो आपका बनता है। ट्राई करके देखिए कैसा लगता है, ट्राई करना तो बनता है ना, कि नई चीज़ किसी को अच्छी लगती है किसी को बेकार लगती है, बट मुझे अच्छा लगा। तो चलिए आज का डिनर होता है मेरा पम्पकिन सूप के साथ। सो दिन हो चुका है कंप्लीट और आज मैंने लंच में सलाद बनाया था और रात को पम्पकिन सूप, दोनों ही नई चीज़ थी, तो ओवरऑल दिन था बहुत अच्छा, हैप्पी डे। और चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।